नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक सीरीज चलाई है जिसमें बेसिक से लेके और एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक पूरा पढ़ाया जाए आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे रूल्स कुंडली देखने के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको लगाने से कुंडली में परीक्षण करने में बहुत आसानी होती है तो आप खुद देखेंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए वो रूल्स शेयर करता हूं आपके साथ देखिए बहुत सिंपल नियम है एक तो नियम ये है कि यदि भाव का स्वामी भाव को देख रहा हो भाव का स्वामी भाव में बैठा हो तो भाव की वृद्धि होती है यदि किसी भी भाव का स्वामी किसी भाव को देख रहा हो चाहे वो अशुभ ग्रह दिख रहा हो चाहे वो शुभ ग्रह देख रहा हो अगर वो अपने भाव को देख रहा है तो उस भाव की वृद्धि होती है इतना ध्यान रखना है आपने तो वो उस भाव की वृद्धि करेगा शुभ ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण में हो और अशुभ भाव के स्वामी हों तो वो अधिक अशुभता नहीं करते क्योंकि उनमें दो शुभता चूंकि एक तो वो शुभ ग्रह है एक वो केंद्र त्रिकोण में है और एक अशुभता होती है आप ये देखिए ना देखिए शुभ ग्रह हैं आपके शुभ ग्रह कौन कौन से आपके हैं शुभ ग्रह आपके हैं गुरु शुक्र चंद्रमा बुद्ध ये आपके शुभ ग्रह हैं ये अगर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे हैं ये अगर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे हैं और <स्थ>. एक तो शुभ ग्रह हो गए एक त्रिकोण लाभ भाव में आ गए तो दो इनके ऊपर शुभता आ गई और अशुभता इसलिए क्योंकि वो अशुभ भावों के स्वामी हैं तो एक अशुभता आ गई तो इसके बावजूद भी वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं करते जैसे मंगल अगर तीसरे वे आठवें भाव का स्वामी हो और केन्द्रिकोण में बैठा हो तो अशुभ फल करेगा क्यों क्योंकि उसमें दो अशुभता आ गई कैसे अशुभता दो आ गई एक तो मंगल तीसरे आठवें भाव का स्वामी है अशुभ भाव का स्वामी है दूसरा मंगल अपने आप में अशुभ ग्रह है तो केवल केन्द्रिकोण में बैठा है तो वो अशुभता हो गई मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि कितनी शुभता है और कितनी अशुभता है एक शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा हो अशुभ भावों का स्वामी हो तो वो शुभ फल करता है वो इसलिए करता है कि उसमें दो शुभता आ जाती है एक तो वो शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से दूसरा वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है लेकिन एक अगर अशुभ ग्रह मंगल है, है शनि है सूर्य है एक अशुभ ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है और वो अशुभ भाव का स्वामी है तो निश्चित रूप से उसमें अशुभता आई तो ये था पहला नियम दूसरा नियम ये है कि जिस भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं ये मैंने आपको अभी बताया भी था स्टार्टिंग में कि जिस भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं या जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं जिन भावों को शुभ ग्रह देख रहे हो शुभ ग्रह का मतलब यहां पर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है ये आप लगा के चलिए इस चीज को शुभ का मतलब आप स्वामित्व के हिसाब से मत चलिए आप नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह यहाँ चलिए कि गुरु शुक्र चंद्रमा बुद्ध जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं तो जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं या जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं वे उत्तम फल देते हैं इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और इसके साथ साथ जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है जिस भाव में भाव का स्वामी बैठा हो वह भी उत्तम फल देता है और यदि कोई पाप ग्रह सूर्य है शनि है अगर वो अपने भाव को दे रहा है तो भी वो अपने भाव के शुभ फल देगा क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव को तो बिगाड़ नहीं सकता अपने घर को तो बिगाड़ेगा नहीं अपने घर के फल तो वो अच्छे ही देगा तो इसलिए जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट हो वो भावों की वृद्धि होती है जो भाव अपने स्वामी के साथ हों या अपने स्वामी से दृष्ट हो उन भावों की वृद्धि होती है और यदि कोई पाप ग्रह भी अपने भाव को देखे तो उस भाव की वृद्धि करता है नुकसान नहीं करता एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये किसी भी पत्रिका में आप इस रूल को लगा सकते हैं जब भी आप प्रडिक्शन करें तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं इससे इसमें बताया गया है कि आपको जिस भी भाव का विचार करना हो उसको लगन बना दो जैसे सपोज कीजिए कि कुंडली में बारह भाव आपके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने सुख का विचार करें अपनी प्रॉपर्टी का विचार करें अपने व्हीकल का विचार करें तो ये कौन सा भाव हुआ ये आपका चौथा भाव हुआ तो आप अपने चौथे भाव का विचार करना चाहते हैं कि चौथे भाव के रिजल्ट मुझे कैसे मिलेंगे तो कुछ नहीं करना आप चौथे भाव को लगन बना लीजिए चौथे भाव को आप लगन बना लीजिए और वहां से देखें केंद्र त्रिकोण में और दूसरे भाव में यानी पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां नवा और दसवां ये भाव पकड़ लीजिए और इन भाव में देखिए कि शुभता अधिक है यानी शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक है प्रभाव से मतलब ये हुआ कि ग्रह वहां बैठने पे ग्रह वहां दृष्टि देने पे प्रभाव देते हैं तो अगर वहां पे शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हैं ज्यादा भावों में इनमें से क्योंकि एक दो तीन चार पांच छह सात भाव के बारे में मैंने आपको बताया पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां नवा और दसवां सात भाव ऐसे हैं जहां में अगर ज्यादातर चार भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको चौथे भाव के और अगर इनमें चार भावों में अशुभ ग्रह का प्रभाव है अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उस चौथे भाव के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे मन की शांति नहीं रहेगी सुख नहीं रहेगा प्रॉपर्टी में वाद विवाद रहेगा तो किसी भी भाव को अगर आपने देखना हो कि उस भाव के रिजल्ट आपको कैसे मिलने हैं तो उस भाव को लगन बना लीजिए और लगन बना के फिर आपको पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवा नवा और दसवां भाव देखना है कि उसमें शुभ प्रभाव है या उसमें अशुभ प्रभाव है इसके अलावा एक नियम और है जो बहुत अच्छा नियम है वो नियम भी आपको कुट कुंडली में याद रखना है किसी भी भाव का स्वामी यदि अष्टम स्थान में गया हो कोई भाव का स्वामी यदि आठवें भाव में गया हो सूर्य की किरणों से अस्त हो या नीच राशि में हो देखिए किसी भाव का स्वामी अगर आठवें भाव में चला गया तो नुकसान हो गया उस भाव का सूर्य की किरणों से अस्त हो गया तो भी उस भाव का नुकसान हो गया नीच राशि में चला गया तो भी उस भाव की हानि हो गई शत्रु क्षेत्र में गया तो उस भाव की हानि हो गई अर्थात उस भाव का सुख प्राप्त नहीं होता यदि किसी भाव का स्वामी अष्टम स्थान में गया हो या सूर्य से अस्त हो या शत्रु क्षेत्र में गया हो और शुभ ग्रहों से त्रस्त ना हो या अपनी नीच राशि में गया हो तो उस भाव की हानि होती है उस भाव से संबंधित हानि होती है और दुख की प्राप्ति होती है यदि उस भाव का स्वामी अपने से अष्टम में गया हो साथ ही छह आठ बारह में हो तो भी उस भाव की हानि होती है नियम तो हमने आपको बताया नियम सर्वविदित है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि छठे आठवें बारहवें भाव में लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में जाएगा तो वो भाव की हानि होगी अगर चौथे भाव का स्वामी लगन से छठे आठवें बारहवें में गया तो चौथे भाव की हानि होगी छठे में गया चौथे भाव का स्वामी तो चौथे भाव से संबंधित आपको संघर्ष करना पड़ेगा आठवें में गया चौथे भाव का स्वामी तो चौथे भाव से संबंधित आपके घर में कलह होगी पीड़ा होगी कष्ट होगा तो इसलिए कोई भी भाव का स्वामी यदि छठे आठवें बारहवें में जाए या छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी किसी भी भाव में आए तो उस भाव की हानि होती है यह आपको ध्यान रखना पड़ना चाहिए ध्यान रखना है इसके आगे चलते हैं नियम बहुत अच्छे अच्छे हैं एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी भाव का विचार करना हो देखिए पहला नियम तो मैंने बताया कि किसी भाव का विचार करना हो तो उस भाव को लगन बना के और उससे पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां नवा और दसवां भाव देख लीजिए यानी केंद्र त्रिकोण और दूसरा भाव सात भाव है ये वाले ये सात भाव देख लीजिए शुभ प्रभाव है तो अच्छा है अशुभ प्रभाव है तो बुरा है इसी प्रकार से किसी भी भाव का आपको विचार करना है तो उस भाव से छठा आठवां बारहवा भाव देखिए अगर उस भाव से छठे आठवें बारहवें भाव में कम से कम दो ग्रहों में पाप ग्रहों का प्रभाव है तो उस भाव की हानि होगी ये ध्यान रखिएगा हंड्रेड परसेंट हानि होगी उस भाव की सपोज करो आप संतान का विचार कर रहे हो आप हायर एजुकेशन का विचार कर रहे हो और हायर एजुकेशन का विचार भाव से होता है अब भाव से छठे आठवें और बारहवें भाव में यदि अशुभ ग्रह हैं तो निश्चित रूप से हायर एजुकेशन की हानि होगी यदि सातवें भाव से छठे आठवें बारहवें भाव में अशुभ ग्रह हैं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में दरार पड़ेगी तो नियम बहुत अच्छा है कि किसी भी भाव से कोई भी भाव का विचार करना हो उस भाव से छठा, आठवां और भाव जरूर चेक कर लीजिए। ये ध्यान आपको रखना है दूसरी चीज यह ध्यान रखना है कि जो ये अशुभ भाव के स्वामी हैं जो मैंने आपको बताया छठा आठवां और बारवा इनके स्वामी जिस भाव में जाएंगे उस भाव की हानि करेंगे इनके स्वामी जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की हानि करेंगे और जो भी ग्रह इन भावों में जाएगा छठे आठवें बारह में जाएगा उस भाव की हानि होगी अच्छा एक चीज और इसमें बताई गई है यदि भाव और भावेश और कारक तीनों निर्बल हो तब क्या होगा मान लिया आप सातवें भाव का विचार कर रहे हैं और सातवें भाव का विचार कर रहे हैं सातवें भाव का स्वामी आपने देखा वो भी आपका वेल प्लेस नहीं है वो भी कोण में नहीं है छठे आठवें अस्त हो गया सातवा भाव पे देखा सातवें भाव पे भी शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है सातवें भाव का कारक देखा आपने शुक्र सातवें भाव का कारक स्थिर कारक शुक्र होता है वो आपने देखा वो भी आपका पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि पत्नी की हानि है कि सातवा भाव पीड़ित हो गया सातवें भाव का स्वामी भी पीड़ित है और सातवें भाव का कारक भी पीड़ित है तो तीनों चीजें अच्छी होंगी तो बहुत बढ़िया होगा और वैसे इसके अंदर क्रम दिया गया है कि भाव से ज्यादा भावेश और भावेश से ज्यादा भी कारक की इंपॉर्टेंस होती है भाव की तो इंपॉर्टेंस सही है उससे ज्यादा भावेश की और उससे ज्यादा कारक की इंपॉर्टेंस होती है तो कारक को नहीं भूलना चाहिए कारक को जरूर याद रखना चाहिए अब इन्होंने इसके अंदर यही एग्जाम्पल दिया है यदि भाव भावेश और कारक अशुभ ग्रहों के मध्य हो तीनों और दृष्ट भी हो तो भाव की हानि होती है उदाहरण के लिए यदि पत्नी का विचार करना हो तो सप्तम भाव सप्तम भाव का स्वामी और कारक तीनों यदि निर्बल हो निर्बल कैसे हो अशुभ भावों में बैठे हों छ आठ बारह भाव में बैठे हों अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो अशुभ ग्रहों से युद्ध हो अशुभ ग्रह कौन से जो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है तो पत्नी की हानि हंड्रेड परसेंट है उसके बाद यह भी लिखा हुआ है रूल कि यदि कारक से कारक कौन होता है शुक्र शुक्र से चौथे आठवें भाव में अशुभ ग्रह हो तो भी पत्नी की हानि होती है ये नियम बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि शुक्र से चौथे आठवें भाव में अशुभ ग्रह अगर है तो पत्नी की हानि होती है कारक क्योंकि शुक्र जो है वो कारक है कारक आप जानते ही हैं क्योंकि स्थिर कारक है डिफरेंट डिफरेंट भावों के मैंने इसमें लिख दिए हैं सूर्य पहले भाव का कारक है बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है मंगल तीसरे भाव का कारक है चंद्रमा और बुध चौथे भाव के कारक हैं जुपिटर पांचवें भाव का कारक है शनि और मंगल छठे भाव के कारक हैं जहाँ चोर चपेट की बात आती है तो मंगल आता है जहाँ बीमारी की बात आती है तो शनि आता है विनस सातवें भाव का कारक है शनि आठवें भाव का कारक है सूर्य और जुपिटर नवे भाव के कारक है पिता की बात आती है तो सूर्य को लेते हैं हम लोग सन मरकरी सैटन जुपिटर ये टेंथ भाव के कारक है जुपिटर इलेवेंथ भाव का कारक है गुरु जो है और शनि बारहवें भाव का कारक है तो ये थे कुछ नियम जो मैंने आपको बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और कुंडली पर लगते हैं इनको कुंडली पर लगा के आप देखिए आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने वास्तव में कोई अच्छी परीक्षण की है तो मैं आज का लेक्चर को यहीं पर विचार विराम देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नियम बताऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी का जो लोग भी सीखने में इच्छुक हैं एस्ट्रोलॉजी वो ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे संपर्क करके धन्यवाद जय श्री कृष्णा